दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 2020 में आप जो है आधार कार्ड कैसे जो है अपने मोबाइल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका जो है हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर ये वीडियो जो है पसंद आए तो इसको जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वो भी जान सके कि कैसी जो सुविधाएँ हैं वो अपने मोबाइल के थ्रू वो पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आज जो है हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सारी डिटेल, सारी जो प्रोसेस है कैसे कैसे डाउनलोड करना है वो आप कर सके बहुत आसान तरीके से। इसके साथ ही साथ चैनल में दोस्तों और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, जैसे कि किसी भी ज़मीन का नक्शा कैसे निकालें, कैसे देखना है, देन आप जो है किसी प्रदेश का पेंशन लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, इसके साथ साथ ज़मीन की असली पैमाना, कागज़ रजिस्ट्री वगैरह आप मोबाइल से कैसे डाउनलोड करना है, ये सारे वीडियोस जो है दोस्तों हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सब वीडियो को देखिए, और जितना हो सके दोस्तों इन सब वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि देश का हर एक नागरिक जो है हमारे वीडियो के माध्यम से जो है काफ़ी चीज़ें सीख सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आधार कार्ड मोबाइल से कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप ये वीडियो कौन से स्टेट, कौन से ज़िले से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि हम जो हैं और भी देश के कोने कोने पे उन लोगों की मदद कर सके जो इन सेवाओं से वंचित हैं। इसके साथ साथ जितना हो सके दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आधार कार्ड जो है अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले जो है आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम सेक्शन में जाइए। तो दोस्तों, जैसे ही आप गूगल क्रोम खोलेंगे उसमें सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च के ऑप्शन में आपको टाइप करना है UIDAI। जी हाँ, इसको टाइप करना है, जो आपको ब्लू कलर का यहाँ पे UIDAI लिखा हुआ है उसको आपको सर्च ऑप्शन में टाइप करना है। दोस्तों, जैसे इसको टाइप करेंगे तो नया प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार का जो है प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। जैसे आपने UIDAI को टाइप किया तो देखिए यहाँ पे आ गया गेट आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। देन दोस्तों, आपको क्या करना है, जो यहाँ पे गेट आधार लिखा हुआ है उसको जो है आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो एक नया प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए लिखा हुआ गेट आधार। जैसे दोस्तों आप इसको और नीचे करेंगे तो एक नया ऑप्शन खुल के आएगा डाउनलोड आधार करके। तो डाउनलोड आधार को जो है दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड आधार को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्तों देखिए क्या खुल के आता है। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ आधार। यहाँ पे तीन चीज़ दिया गया है दोस्तों, आधार नंबर दिया गया है, इनरोलमेंट आईडी दी गई है, वर्चुअल आईडी दी गई है। तो इन तीनों ऑप्शन में जो चीज़ आपके पास है, मान लीजिए आपने पहले सबसे पहले जब आधार कार्ड बनाया होगा तो वहाँ पर जो है इनरोलमेंट नंबर मिलता है। इनरोलमेंट नंबर में जो है आपका सारी चीज़ें लिखी रहती है, किस तारीख को आपने किया, किस टाइम में, तो वो आईडी जो है आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड है, पहले से ही आधार नंबर है, आप आधार खो चुके हैं, तो आप जो है 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर जो यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेंशन करने के बाद आप फर्दर प्रोसेस करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास आधार ही नंबर नहीं है, तो आपको जो है इनरोलमेंट आईडी नंबर होगी, जब आपने आधार अपना फिंगरप्रिंट वगैरह दिया होगा तो एक स्लिप मिली होगी, उस स्लिप में आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर लिखा होगा। इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आधार नंबर की जगह इनरोलमेंट आईडी लिखा होगा, वहाँ पे जो है जो भी डिजिट पूछी गई उसको आपको मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है हम आधार नंबर बताते हैं। जैसे आप मेंशन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे और नीचे जाओगे इसके, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा होगा आई वॉन्ट अ मास्क आधार। यहाँ पे कैप्स का होगा, ये कैप्स का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबके लिए अलग अलग होगा, जरूरी नहीं कि आपको यही शो करे। आपके सिस्टम में या फिर मोबाइल में ऐसा हो सकता है कि ये कैप्स का जो है चेंज हो जाए, तो इस कैप्स का को जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देन इस दोस्तों, इसको जैसे आप फिलअप करोगे तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। जी हाँ, सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे OTP को मंगाना है। OTP किस आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा है अपने आधार के, जब आप आधार के लिए गए थे तो वहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल नंबर पे जो है आपका OTP आ जाएगा। देन दोस्तों, जैसे OTP आ जाएगा तो आपको जो है OTP लिख लेना है, फिर इंटर OTP कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए मेरा जो है मैंने प्रोसेस किया, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार जो है वन टाइम पासवर्ड जो है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है। तो मैं जो है यहाँ पे अपना जो अभी आया हुआ है रजिस्टर्ड OTP मेरे मोबाइल नंबर पे मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। देन दोस्तों, मेंशन करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आप जो है डिड यू नो डैट यू कैन ऑर्डर रीप्रिंट ऑफ आधार लेटर फ्रॉम UIDAI वेबसाइट।
ये जानने के बाद इसको आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे यस और नो जो भी है आपको क्लिक करना है कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है अपना OTP जो अभी आया है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल में मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। देन इंटर करने के बाद दोस्तों इसके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्विक सर्वे करके आएगा, उसे आप लीव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए आप कब कब अपना रिप्रिंट करना चाहते हैं, तो जैसा कि आप लिखा हुआ आप मान लीजिए इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देन दोस्तों इसको क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाई एंड डाउनलोड। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए आधार मैं इसको क्लिक किया तो आधार डाउनलोड हो गया है मेरा यहाँ पे। अब लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे जो है फाइल, ये जो फाइल है ये प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा दोस्तों। तो पासवर्ड देखिए आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत से कैंडिडेट को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका नाम है रोहन, जी हाँ आपका नाम है रोहन, तो आपको क्या करना है आपके नाम का स्टार्टिंग के 4 लेटर यानी कि ROH A ये 4 लेटर, इसके साथ साथ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1992 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये 2 डिजिट जैसे 92 है तो यहाँ पे जो है 2 डिजिट 92 आपको यहाँ पे मेंशन करेगा। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 2 डिजिट के साथ आप जो है पूरा डिजिट देखिए यहाँ पे जो आपका नाम है उसका 4 लेटर और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका पूरा लेटर जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये जैसे आप इसमें डालोगे दोस्तों तो आपका जो आधार है वो डाउनलोड होके आ जाएगा कुछ इस प्रकार, जैसा कि आप बहुत आसान तरीके से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही पसंद आया है। अगर अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और देश के हर एक नागरिक को आप बता दीजिए कि कैसे जो है अपने मोबाइल से काफ़ी सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे चैनल में और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इन सारी वीडियोस को ज़रूर देखना ना भूलें, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो है आपके जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, आप ना कभी इन सारी चीज़ों से जूझते हैं तो आपको हमारे चैनल में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। इसके साथ साथ दोस्तों आप जो है गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग हमारा चैनल एक और है, आप वहां से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो है वहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्विक डी टेक्निकल नाम से चैनल है दोस्तों, तो आप उस चैनल को भी देखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।